जी, अगला सवाल इसी के करीब का साथी पूछते हैं कि अगर ऐसा इमाम जो गाने बजाने यानी गाने वाला हो या बजाने वाला भी हो साथ में, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म क्या भाई? होगा? देखिए, वो इमाम रातिब है या कि नहीं, ये उस सूरत में होगा कि अकीदा के लिहाज से उसका दुरुस्त है, यानी शिर्क और कुफ्र का उसका अकीदा नहीं है। अगर वो इमाम रातिब है और हमें दूसरा नहीं मिल रहा है, तब तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उसकी वजह से हम जमात नहीं छोड़ेंगे, है कि हमें कोई दूसरी मस्जिद भी नहीं है। लेकिन अगर इमाम रातिब नहीं है तो ऐसे शख्स को इमाम नहीं बनाना है, ऐसे शख्स को इमाम बनाना जायज नहीं है। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।